मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है और आपका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड अभी रिसीव नहीं हुआ है, आपको नहीं मिला, तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ही ट्रैक कर सकते हो कि अभी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड अभी एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ है, आपको कब हाथ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, उन दोनों तरीकों को अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अपना एटीएम कार्ड 100% मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अब मान लीजिए आपने एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया है, आपके 7 से 8 दिन हो जाने के बाद, यहाँ पे आपने एक चीज अच्छे से ध्यान रखना है, 7 से 8 दिन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैसेज आएगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पे देखने को मिल रहा होगा, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, योर डेबिट कार्ड इज डिस्पैच्ड, आपका एड्रेस है स्पीड पोस्ट, इसके साथ ही जेबी नंबर लिखा हुआ है, विजिट योर BOB ATM, इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा। पहला तरीका है ये, अगर मान लीजिए 7 से 8 दिन हो चुका है तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। जब आप दूसरा तरीका आता है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से मैसेज नहीं आता है, तब आपने उस कंडीशन में क्या करना है, 7 से 8 दिन होने के बाद ही मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उससे पहले आप कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर वाले आपको भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्या करना है, कॉल करना है आपने कस्टमर केयर पे, जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर केयर नंबर है वो आपके पासबुक पे लिखा होगा, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, आप बताइए कि 7 से 8 दिन हो चुके हैं, हमारा जो एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अभी तक हमें नहीं मिला हुआ है, तो आप प्लीज़ हमें, आप हमें या तो आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए अभी कहाँ पे है, या फिर आप हमें स्पीड पोस्ट नंबर या फिर स्पीड ट्रैक कंसाइनमेंट नंबर आप हमें दे दीजिए, उससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है, मैं यहाँ पे खुद से भी देख सकता हूँ मोबाइल से। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तब आपको वो कुछ इस तरीके से एक स्पीड पोस्ट नंबर दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल करके लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जब वो स्पीड पोस्ट नंबर IN तक दे देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्क्रीन में भी दिखाया था, वहाँ से आपको JB से लेके या फिर EA से लेके जो भी नंबर होगा, हर एक का नंबर अलग अलग स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपने वो स्टार्ट स्पीड पोस्ट नंबर लिखना है, उसके बाद लास्ट में IN तक, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे EA64 ये नंबर मिला हुआ है जो कि कस्टमर केयर ने मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेता हूँ या फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लेने के बाद या फिर कस्टमर केयर ने जो मुझे मैसेज भेजा हुआ था उसे मैंने कॉपी कर लिया है, दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने किसी ब्राउजर पे आना है, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, आपने सिंपली यही लिखना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, आप जैसे लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट पहली खोल के आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, तो आपने ओपन कर लेना उस पर एक क्लिक करके, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगा, तो यहाँ पे आपने उस स्पीड पोस्ट नंबर को टाइप कर देना है, जैसा कि मैंने आपको, या फिर कंसाइनमेंट नंबर भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वहाँ इसको टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मुझे ये मिला था तो मैंने अपना ये वाला टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा देखने को मिल रहा है, इंटर द कैरेक्टर डिस्प्ले इन इमेज, यहाँ पे आपने क्या करना, इस तरीके का कैप्चा आएगा तो आपने सिंपली रेफ्रेश कर लेना, जैसे कि ये देखिए मैं इस पर क्लिक करके रेफ्रेश कर लेता हूँ, जब आपका कैप्चा इवेल्युएशन द एक्सप्रेशन आएगा तो आपने सेलेक्ट करना है, 6 - 0 = कितना होता है वो अगर आपका रहा, इसी तरीके से 6 + 2 कितना होता है, तो इस तरीके से मैथ का क्वेश्चन आएगा तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, 6 - 0 कितना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैप्चा अलग होगा तो आपने अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 6 - 0 = 6 होता है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे बैंक, जो भी मैंने एटीएम कार्ड ट्रैक किया यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल रही। चलिए मैं आपको पेज को ऊपर करके यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कौन से डेट को बुक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक्ड आइटम है, इतने तारीख को बुक हुआ, और इसके साथ ही यहाँ पे आइटम डिस्पैच इतने तारीख को हमारे वाराणसी जोन में कब आया, इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं MA वाराणसी कैंट 4 तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, MA RTMS वाराणसी RMS, इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जब लास्ट लोकेशन आपको जो देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे आपको टॉप पे देखने को मिल रहा है, मतलब बुक आपका कहाँ से हुआ था, बुक ऑन कौन से डेट को हुआ था,
डेस्टिनेशन पिन कोड जो रिसीव होगा वो क्या है, ट्रैफिक क्या है, इसके साथ ही आर्टिकल क्या है मतलब किसके थ्रू भेजा गया है, और इसके साथ ही डिलीवरी लोकेशन क्या है आपको यहाँ पे ये तक दिखा रहा है। मतलब हमारे ब्रांच में जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है वो ब्रांच पे आ चुका है, अब मुझे लेना है तो मुझे ब्रांच पे जाके मैं अपना कोई एक वैलिड प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जिस पे मेरा नाम लिखा हो जो कि बैंक अकाउंट में हो तो मैं उन्हें दिखाऊंगा, वो हमें हमारा एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वो हमें हैंड टू हैंड वापस दे देंगे, तो उसका मैं आपका एक्टिवेट कर लूंगा पिन वगैरह जो भी पिन एक्टिवेट करना है। सो कुछ इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके या फिर अप्लाई करके आप यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड ट्रैक कर सकते हो खुद से घर बैठे या फिर लाइव देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त हम साथ अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।